हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज के पकौड़ों की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्याज को स्लाइसेस में कट कर लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे बंच ऑफ करिया पत्त, करी लीव्स, और इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जैसे कि नमक, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा खाना पकाने का सोडा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से अपने हाथ के ज़रिए मिक्स करेंगे। जिस दिन मैंने ये शूट किया था उस दिन हमारे यहाँ बारिश पड़ी थी, तो बारिश के मौसम में पकौड़े गरम गरम और अच्छे दिखते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और माँ के हाथ के पकौड़ों की तो बात ही अलग होती है। तो ये रेसिपी मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी है। इस तरह से आप लोग पकौड़े बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं, इसे कुछ इस तरह से मिक्स करते रहना है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब बेसन लेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब ज्वारी का आटा लेंगे। तो इन सब आटों को हम इस तरह से मिक्स कर लेके रख लेंगे। दूसरी तरफ हम तेल गरम पे रखेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हमें इन दोनों को मिक्स करना है। आटे को प्याज के साथ मिक्स इस तरह से मिक्स करेंगे और तेल में डीप फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट तक, तब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। लोग वीडियो में देख सकते हैं गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े अच्छे से बन चुके हैं। आप लोग इसे सर्व करिए ग्रीन चटनी या केचप के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।